नमस्कार मित्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था सिंधु वासियों की आर्थिक जीवन व सामाजिक जीवन के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु वासी किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करते थे, उनका विश्व की विभिन्न संस्कृतियों सभ्यताओं से संबंध था, समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे, उनके ऊपर ने जानकारियां प्राप्त की है। आज अपने बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन, सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन। तो देखिए, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। सिंधु वासी विशेष तौर से धर्म में अडिग थे, धर्म में विश्वास रखते थे। जैसा वैदिक काल में धर्म, वैदिक काल से लेकर आज तक हम धर्म के बारे में पूछते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, वही हमें जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त होती है। विशेष तौर से वहाँ का धार्मिक जीवन वर्तमान के धार्मिक जीवन से काफी कुछ मिलता जुलता था। सिंधुवासी वृक्ष पूजा को महत्व देते थे, वृक्ष पूजा को महत्व देते थे। आज भी पेड़ पौधों को पूजने का रिवाज प्रचलित है और उस समय भी प्रचलित था। अब विभिन्न मोहरों पर देवी देवताओं जैसी आकृतियां प्राप्त हुई है। एक जगह मोहर पर देवता को पीपल के मध्य में, दो पीपल के वृक्ष है उनके मध्य में एक देवी आकृति नुमा पुरुष आपकी आकृति प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने बताया कि ये उनके पीपल देव के रूप में पूजे जाते होंगे और उनके सामने कुछ लोग उनकी उपासना करते हुए दर्शाए गए हैं। जो हमें दर्शाता है कि उस समय में पीपल की पूजा का रिवाज प्रचलित था। फिर मातृ देवी की उपासना, मातृ देवी माता यानी बड़ी संख्या में हमें पूजाई के दौरान मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई, जो ये दर्शाते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का समास मातृसत्तात्मक समास था और यहाँ पर माताओं की पूजा भी प्रचलित थी। हमें वहां से पशुपतिनाथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है और पशुपतिनाथ के रूप में अपन मानते हैं रुद्र अर्थात शिव, उनकी भी पूजा उस समय में होती थी। इसके अलावा विभिन्न मोहरों पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य, जल पूजा के साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर मूर्ति पूजा भी प्रचलित में थी। जल पूजा यानी जल को पवित्र मानते थे और उनकी भी पूजाएं की जाती थी। इसी तरह से हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर पर, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है और इस मोहर पर एक स्त्री की मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है और यह स्त्री जिसे पुरातत्वविदों ने पृथ्वी माता का रूप दिया, नाम दिया एम, जो पौधा निकलता हुआ दिखाया, इसे सृष्टि का निर्माण दर्शाया कि सृष्टि में इस तरह से मतलब सृष्टि का सर्जन है वो करने वाली देवी। इसी तरह से पुरुष आकृति के पद्मासन में एक मूर्ति प्राप्त हुई है मोहर पर, जिसके आसपास हाथी, बाघ, गेंडा, हिरण जैसे कई पशु आदि प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने देवताओं का मानवीकरण करते हुए, जैसे आज के समाज में हम देखते हैं विष्णु जी का वाहन गरुड़,
शिव जी का वाहन नंदी, इसी तरह से दुर्गा का वाहन शेर, गणेश जी का वाहन चूहा। तो ये तमाम आज हम देखते हैं कि देवताओं के विभिन्न वाहन, विभिन्न पशुओं को वाहन का रूप मानते हैं मानवीय के रूप में। इसी तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी विभिन्न देवताओं को मानवीकरण करते हुए विभिन्न पशुओं का उनके वाहन के रूप में जोड़ करके देखा जाने लगा था। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये पशु श्रेष्ठ पशु होंगे और इनका देवताओं के साथ संबंध रहा होगा। इसके अलावा हमें विभिन्न मोहरा पर योगी बुद्धा की त्रिमुखी एवं त्रिशृंगी, जिसके तीन मुख और तीन श्रृंग यानी सिंह है, ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, आकृति प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने उस आकृति को, उस मोहर पर अंकित आकृति को उन्होंने योगी मुद्रा वाली मूर्ति को रुद्र का रूप दिया, जिस प्रकार से आज भी हमारे यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है, उसी रूप में उसमें में योगी मुद्रा के रूप में संभवतः रुद्र के नाम से शिव की पूजा की जाती होगी। उनका संबंध है वो किससे जुड़ा है, भगवान शिव से जुड़ा है, रुद्र से जुड़ा है। इसी तरह से विभिन्न मोहरों पर नाग की आकृति, विभिन्न मोहरों पर किसकी आकृति के, नाग की आकृति के चिन्ह मिले हैं, या आप कह सकते हैं नाग की आकृतियां प्राप्त हुई है। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने माना कि यहाँ पर नाग यानी सर्पों की भी पूजा की जाती होगी। इसके अलावा हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं मोहरों पर, जो वर्तमान में भी स्वास्तिक पवित्र है, श्रेष्ठ है, देवताओं से जुड़ा हुआ है, और उस समय भी शायद इस स्वास्तिक का प्रयोग है वो देवी देवताओं से जोड़ करके किया जाता होगा। तो ये तो हो गई धार्मिक वाली बात। अब हम देखते हैं तब योग व यज्ञ। देखिए देवताओं के बारे में विभिन्न वस्त्र प्राप्त हुई, और इसके अलावा देख सकते हैं कि हमें शिवलिंग के आकार, शिवलिंग के आकार के विभिन्न पत्थरों के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने उनकी पहचान है किससे की थी, शिवलिंग से की थी, शायद वो भी उनकी पूजा के से जुड़े हुए या उससे धार्मिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तप योग व यज्ञ का विधान। सिंधु सरस्वती सभ्यता के कालीबंगा, बनावली, राखी गड्डी, लोथल आदि विभिन्न जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं से बड़ी संख्या में अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। अब अग्निकुंड और अग्निवेदिका स्पष्ट है, इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता होगा, यज्ञ के रूप में, और इसलिए उस समय में विभिन्न तौर से इन अग्निकुंड व अग्निवेदिकाओं में यज्ञ कार्य किया जाता था। इन अग्निकुंड व अग्निवेदिकाओं में हमें कुछ हड्डियां भी प्राप्त हुई थी। तो पुरातत्वविदों ने माना कि ये जो हड्डियां हैं इसका मतलब बलि, पशुओं की बलि देने का रिवाज भी प्रचलित होगा। इस तरह से विभिन्न मोहरों पर एक श्रृंगी वृषभ, योगासन मुद्रा में मानव, बैल, बाघ व हाथी, और इसके अलावा विशाल स्नानागार जो भी धार्मिक संबंधी क्रियाकलापों को दर्शाता है। इन तमाम तथ्यों, इन तमाम वस्तुओं के आधार पर, आकृतियों के आधार पर पुरातत्वविदों ने माना कि सिंधु वासियों के जीवन में यज्ञ हवन का भी महत्व होता होगा। वे अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की शांति के लिए, दुख दूर करने के लिए, पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, तमाम तरह के तरीकों के लिए वे इस तरह से देवी देवताओं को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए यज्ञ हवन करते होंगे। इस तरह पुरातत्वविद ने उनके बारे में जानकारियां प्राप्त
से कुछ बातें मिलती हुई में प्रतीत होती हैं, जो ये दर्शाता है कि इन नगरों पर किसी न किसी कुशल राजतंत्र का शासन रहा होगा। हालांकि ऐसा कोई फैक्ट नहीं मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई एक शक्तिशाली शासन का शासन रहा होगा। कई तो ये कहते हैं कि यहाँ का समाज अपने आप में गणतंत्रात्मक तरीके से चलता था, कई कहते हैं राजतंत्रात्मक तरीके से चलता था, कई ये मानते हैं कि यहाँ के सब लोग मिलकर के शासन चलाते थे। लेकिन अपन इतना मान सकते हैं कि जो भी शासन चलाते हो वे सब एक कुशल तरीके से वर्तमान में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की तरह उस समय में भी जो नियोजन को है वो दर्शाते हैं, जिसमें व्यवस्थित घर, घर के आगे नाली निकासी की व्यवस्था, छोटे छोटे नालियां, बड़े बड़े सीवरेज से जुड़ी हुई सड़कें, बड़ी छोटी छोटी गलियां और प्रत्येक गली बड़ी बड़ी सड़क से जुड़ी हुई, ये जो नगर नियोजन है इसको देखते हुए पुरातत्वविदों ने माना कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था भी उनकी सुदृढ़ रही होगी। इसके अलावा सिंधु वासियों के विभिन्न जीवन में खुदाई के दौरान हथियार कम मिले, तो इससे पुरातत्वविदों ने माना कि उनका जीवन है वो शांति प्रिय रहा, वे लड़ाई झगड़े में युद्ध में ज्यादा विश्वास नहीं रखते होंगे। हालांकि कुछ हथियार प्राप्त भी हुए हैं, जैसे तांबे की तलवारें, चाकू, बाणाग्र आदि प्राप्त हुए हैं, लेकिन कम संख्या में अधिक संख्या में प्राप्त नहीं हुए। इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज है वो शांति प्रिय समाज था। इसके अलावा हमें वहां से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है और उसकी दाढ़ी और उसकी जो लुक है उसको पुरातत्वविदों ने सुमेरियन बाबिलोन के पुरुष आकृति की दाढ़ी से जोड़ते हुए दिखाया है, और संभवतः कई पुरातत्वविदों ने माना कि ये ही यहाँ का राजा रहा होगा, क्योंकि इतनी सुंदर और व्यवस्थित अन्य कोई ऐसी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण से इसे पुरोहित राजा मानते हुए और इसे राजा